ये हिंदा साहब को फायदा होगा। फायदा होगा जी, कैसे फायदा होगा हमको मालूम है ना। जैसे बताइए हमारे दर्शकों को, बताइए दर्शकों को क्या बताए, जो 25 तारीख को बताएंगे हम लोग। हाँ पूरा गोलबंद हो चुके हैं। हाँ बाला महतो, महतो पूरा महतो जी है क्या यहाँ बैठे? अच्छा अच्छा तो माहौल क्या है इस बार? माहौल तो देखिए, माहौल तो सही है, बाकी हम लोग का जो गांव चलेगा न, जिस तरफ गांव चलेगा उसी तरफ इसमें चार जाति है। कौन कौन है इसमें? नोनिया है, कायत है, कानू है, पैठान है, ये कोई पार्टी नहीं। तो फिर कैसे मिजाज बना लिया कि मिजाज मेरा बनेगा, मेरा गांव का लोग मिजाज बनाएगा उसी तरफ हम भी मिजाज बना लेंगे। गांव के लोग बोलेगा कि इनार में कूद जाए तो कूद जाइएगा। क्यों नहीं कूदेंगे, फिर वही ना बचाएंगे हमको, कूदाएंगे वही या बचाएंगे वही। जिक्र करते हैं, जिक्र करते हैं इसीलिए कि साहब जो टाइम में थे टाइम में अच्छा विकास करते थे, हर चीज़ से अच्छा होता था। हॉस्पिटल में फीस डाउन करा दिए। सब लोग चश्मा लगा के बैठे हैं जी। हिना साहब माहौल पूरा हिना साहब बन गया है। पूरा माहौल हिना साहब। अब की बार 7 लाख पार, 7 लाख पार, 7 लाख पार, 7 लाख पार, 7 लाख पार। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सिवान। संपर्क नंबर 8399-43-151। पहले चरण का मतदान हो चुका है, अब लोगों की नजर दूसरे चरण के मतदान पर है। लेकिन बात सिवान लोकसभा सीट की करें तो 25 मई को मतदान होने को है, और उससे पहले लगातार न्यूज़ इंडिया तक की टीम अलग अलग गांव, मोहल्ले, कस्बे, बाज़ार और शहर के अलग अलग इलाके से कई ऐसी रिपोर्ट दिखा रही है। लोगों का मिजाज क्या है, चुनावी माहौल क्या है, ये जानने का प्रयास है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम जो है विकास की बात जनता के साथ, इसी के तहत सिवान लोकसभा क्षेत्र के विशंबरपुर में पहुँचे हुए हैं, और एक मंदिर है, ब्रह्मस्थान है, ये शिव मंदिर है, और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम भी बैठते हैं। गांव का माहौल है, गर्मी है, तपिश है, लू चल रहा है, और उस बीच जो है कि गांव में बैठे लोग कितनी मस्ती से यहाँ बैठते हैं। आज बैठ के और यही लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम काशीनाथ महतो। महतो जी ये बताइए कि माहौल क्या है चुनाव का? चुनाव का माहौल जो चल रहा है ठीक ही है। हाँ और भी आगे भी ठीक रहेगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो अच्छा विकास कर रहे हैं, अच्छा भी कार्य कर रहे हैं। हाँ हमारे जिला में जो है अगर हिना साहब को टिकट दिया जाता तो बेहतर अच्छी होता। हिना साहब को तो टिकट नहीं मिला है। नहीं मिला, नरेंद्र से लड़ेंगी वो। हाँ हम लोग सपोर्ट में करेंगे उनका। सपोर्ट करेंगे उनका। हमारा टिकट कहाँ नहीं मिला उनको? देखिए टिकट तो नेता लोगों के ऊपर है ना भाई, ये तो राजनीतिक है, किसको देंगे किसको नहीं देंगे वो अपना अपना आदमी चुनते हैं वो लोग, लेकिन देना तो इन्हीं को चाहिए। हाँ। क्योंकि इनका ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट है। लेकिन लोग कह रहा है कि लालू यादव देना चाहते थे टिकट, फिर दिए क्यों नहीं? ये नहीं लें टिकट तो इसमें कुछ राज होगा। हाँ। इसमें कुछ राज होगा। हाँ। तभी नहीं दिए वो। हाँ। लेकिन उनको देना चाहिए। अच्छा सांसद कौन है सिवान की? सिवान का भी सांसद तो आप क्या कविता देवी शायद। हाँ कुछ काम वाम हुआ है गाँव में? कुछ नहीं हुआ है। ओम प्रकाश यादव थे वो भी किए हैं, लेकिन कम किए हैं। आज जो साबुद्दीन थे ना, जो हिना साहब का जो हस्बैंड था साबुद्दीन, वो तो अच्छा विकास किए हैं, लेकिन उनका नाम पर वो बदनाम, दूसरा नाम पर बदनाम किए। उनके नाम के साथ अपराधी का एक धब्बा भी तो है। धब्बा है लेकिन बहुत लोग अफवाह मचाए हैं ना। हाँ तो काम जो किए अच्छा किए हैं, लेकिन बदनाम के लिए हम आप जैसे उनको बदनाम करने के लिए उनका नाम बेच के हम लोग बदनाम किए हैं, यही बात है। अच्छा इस बार क्या होगा, माहौल क्या क्या कह रहा है माहौल? माहौल क्या कर रहा है माहौल, जो आपको 25 मई को होने वाला है ना भर जी, तो हम लोग का सपोर्ट है कि हम लोग हिना साहब को सपोर्ट करेंगे। हाँ हमारा गांव जो जिस तरफ जाएगा उसी तरफ हम लोग भी जाएंगे। चुनाव से पहले पैसा लेके पलटिए। पैसा लेंगे हम लोग, पैसा लेने वाला है। आज तक कोई मुखिया कोई सरपंच बोल देगा 1 रुपये लिया है तो हम गाँव छोड़ देंगे, अब क्या बोल रहे हैं आपको? हाँ जी कोई बोल दे मुखिया सरपंच हमसे, कोई नहीं बोल सकता है। माहौल पूरा टाइट है एकदम। पूरा टाइट है माहौल। अवध बिहारी चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दीजिए। कौन कौन लड़ रहे हैं पता है ना? मैंने सुनते हैं कोई
किसको मिला, कुशवाहा जी को ही मिला था, रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी जो है विजयलक्ष्मी, उनको ही मिला है। लड़ाई में जितने आदमी लड़ेंगे ना, ये हिना साहब को फायदा होगा। फायदा होगा जी, कैसे फायदा होगा हमको मालूम है ना, जैसे बताइए हमारे दर्शकों को। दर्शकों क्या बताए, जब 25 तारीख को बताएंगे हम लोग। हाँ, पूरा गोलबंद हो चुके हैं। हाँ सब। क्या नाम हुआ चाचा आपका, थोड़ा सा और आगे आइए, आइए आपसे भी बात कर लिया जाए। क्या नाम हुआ? बाला महतो। महतो, पूरा महतो जी है क्या यहाँ बैठे? अच्छा अच्छा, तो माहौल क्या है इस बार? माहौल तो देखिए, माहौल तो सही है, बाकी हम लोग का जो गांव चलेगा ना, जिस तरफ गांव चलेगा उसी तरफ हम लोग चलते हैं। गांव जिस तरफ चलेगा उसी तरफ। अच्छा, ये बिसम्बरपुर है, बिसम्बरापुर, बिसम्बरापुर जिस गांव को कहते हैं। इस गांव में कौन कौन से जाति के लोग हैं? इसमें 4 जाति है। कौन कौन है इसमें? नोनिया है, कायत है, कानू है, पैठान है, सब जाति है। तो सभी लोग मिलजुल के रहते हैं एकदम बढ़िया से? बढ़िया से रहते हैं, हम लोग बढ़िया से रहते हैं। अच्छा, कौन कौन लोग आ रहे हैं वोट मांगने? अभी तो अब कोई भी नहीं आया हम लोग के पास वोट मांगने, कोई पार्टी नहीं। तो फिर कैसे मिजाज बना लिया कि मिजाज मेरा बनेगा, मेरा गांव का लोग मिजाज बनाएगा उसी तरफ हम भी मिजाज बना लेंगे। गांव के लोग बोलेगा कि इनार में कूद जाए तो कूद जाइएगा। क्यों नहीं कूदेंगे, फिर वही ना बचाएंगे हमको, कूदाएंगे वही या बचाएंगे वही। वही बात है, बात वही है, जो नजदीकी है वही ना भाई अपना है। माहौल जो है कि बन चुका है। बन चुका है। अच्छा, अवध बिहारी चौधरी भी आएंगे? आने दीजिए ना, आने दीजिए। अब तो जिसको उठाए पार्टी वो अभी करेगा। और क्या। अच्छा, ये बताइए विकास कुछ हुआ है, काम वाम हुआ है? विकास तो हुआ है, कम बेस हुआ है, विकास उतना ज्यादा नहीं हुआ है। अच्छा, लोग शहाबुद्दीन का बड़ा जिक्र करते हैं। जिक्र करते हैं इसीलिए कि शहाबुद्दीन जो टाइम में थे, टाइम में अच्छा विकास करते थे, हर चीज से अच्छा होता था। हॉस्पिटल में फीस डाउन करा दिए, अभी जो है ना मना मानी फीस ले रहा लोग, जो मरने वाला आमदी है उसको इसी में बिक दे रहा, कौन मशीन उसको बोला जाता है आईसीयू में, और पैसा ले रहा। शहाबुद्दीन होते तो ये चीज नहीं चलता, ये नहीं चलता। क्या लग रहा है ना साहब, चुनाव अगर जीत जाएंगे तो फिर वही सिस्टम बनेगा? तो हम लोग देंगे, चुनावी मैदान में तो है ना, अखाड़ा में है वो। अगर जीतेंगे तो फिर वही सिस्टम बनेगा? हाँ बनेगा, कहीं नहीं बनेगा, भरोसा है। हाँ भरोसा है, भरोसे से लेकर हम लोग चल रहे हैं। मतलब पूरा दलित महतो जो है वो सब लोग एकदम गोलबंद हो चुके हैं। चलिए, तो ये देखिए अब बिसम्बरपुर, और जहाँ कुछ लोग चबूतरा पे बैठे हुए हैं, शिव मंदिर है, और शिव मंदिर के पास की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। कुछ युवा हैं, गांव के लोग जो हैं वो इस तपिश में। क्या नाम हुआ आपका? हम नहीं बोलेंगे। आप बोल तो रहे हैं। नहीं बोलेंगे कुछ भी, मेरा मतलब नहीं है। नहीं बोलिएगा। क्या नाम हुआ चाचा आपका? राजिंदर। आइए, क्या कह रहे हैं? दारू आ रहा है, जब लड़के होते थे बच्चे, लड़के दारू ले गए भेज रहे हैं दारू। नीतीश कुमार कहते बंद हो गया दारू, दारू कहाँ से आ रहे, इतने बच्चे ले आके कंट्रोल कर रहे हैं दारू। ये बताइए कि चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का मतलब नहीं है मेरे को, चुनाव दारू दारू मिलना चाहिए, दारू नहीं मतलब। अच्छा, नहीं है। हाँ। दारू किस लिए आ रहा है? दारू जब नीतीश कुमार बंद कर दिए तो दारू किस लिए आ रहा है? आप पीते हैं? पीते हैं, डेली पीते हैं, अभी पिए हैं, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, खैर, लेकिन घर परिवार चलाना है तो पीना छोड़ना पड़ेगा। चलाते हैं घर पर, हुआ अंदर से खत्म हो जाइएगा, इससे बचिए। क्या नाम हुआ आपका? राजिंदर माझी। माझी, पूरा दलित बस्ती है क्या इधर? नहीं, 10 घर है। 10 घर है। माहौल क्या है जी? माहौल तो ठीक ही देख रहे हैं। हाँ, माहौल बढ़िया है। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल अभी कुछ नहीं है। अच्छा, के क्या हुआ था वोट मांगे? हाँ, अभी क्यों नहीं खेवा? कोई नहीं खेवा ना आज अभी के करे के मिजाज बनल हो देवे के अभी कोई अथी नहीं के कहत नहीं के कहा के आई तबे न। हाँ, कहा के बाजार में। अच्छा, कविता सिंह के जानते नहीं? हाँ, कुछ काम हम कैले बड़ी कविता सिंह। कविता सिंह चल चाहिए हाथों नीचे कर ले। हाँ, कविता सिंह काम हम कैले बड़ी कहाँ कहीं लोग आता कुछ। ओम प्रकाश यादव 10 साल का कहता वो लोग का कहता लोग जे जीतो दांत बनवा दो तो बात। हाँ,
अच्छा ये बताइए, कुछ युवा हैं, क्या माहौल है? सब लोग चश्मा लगा के बैठे हैं जी। हीना साहब, माहौल पूरा हीना साहब बन गया है। हाँ। पूरा माहौल हीना साहब। अब की बार 7 लाख पार। 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 एकदम हीना साहब को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अरे 4.5 लाख के आसपास वोट हुआ तो कविता सिंह सांसद बन गई, तो 7 लाख पार करेड बना देना भैया। कविता कौन है ये? सांसद है ना, हम समझे हिंदी चैप्टर का कोई कविता पूछ रहे हैं। ये कविता कौन है? कविता सिंह को नहीं जानते? नहीं, ये कौन है कविता? अरे आप जानते हो तुम कविता को किसी? नहीं। ये कौन है? तो ये कौन है? कोई नहीं। सांसद है तो? नहीं। अजय सिंह को जानते हैं? शायद उसको सुने हैं कि बकरी वगैरह चोराता था उधर। नहीं, इस तरह की बात तो सही, हम न्यूज ही में सुने हैं कहीं। अच्छा, शहाबुद्दीन को जानते हैं? हाँ वो जानते हैं। ओम प्रकाश यादव को जानते हैं? हाँ उनको जानते हैं। क्या विकास किए हैं ओम प्रकाश? ओम प्रकाश हल्का फुल्का किए हैं, वो भी हल्का फुल्का, ये जो दिख रहा है वो उन्हीं के। बताइए माहौल क्या है इस बार? माहौल हम लोग यही चाहते हैं कि देश में मोदी सरकार और सिवान में हीना साहब की जीत हो। हम लोग यही चाहते हैं कि जीत कर हीना साहब नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलशाद खान हुआ। बताइए क्या माहौल है जी? माहौल तो बहुत बढ़िया है यहाँ का। माहौल बहुत अच्छा है। वार्ड सदस्य अभी फिलहाल हम फलपुरा पंचायत के 11 नंबर वार्ड। चलिए चलिए, तो देखिए ये सिवान के सिवान लोकसभा क्षेत्र के विशंबरपुर में है। विशंबरपुर जहाँ मुस्लिम दलित सब जाति के लोग रहते हैं और लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपकी इस पे क्या कुछ राय है? देखिए लोग ये कह रहे हैं कि देश में केंद्र में नरेंद्र मोदी चाहिए और सिवान में हिना साहब, और लोग ये भी कह रहे हैं कि हिना साहब नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगी। इस तरह की बात लोग कर रहे हैं, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे, निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।